नमो नारायण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय 5 का, जिसमें दशाश्वमेधिक और पेशाच तीर्थ महात्म्य का वर्णन किया गया है। देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कुमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्र का नाम भवन हुआ और महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा कि हे मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, वह यज्ञ मैं कहाँ करूँ? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण नहीं हो पाया। ये देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहाँ एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनिश्रेष्ठ संवर्त ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुँचे और हे नारद, मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ करने के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। ये सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अन्नदान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा पुण्य कार्य कोई नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त ये अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। ये सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हो गया। वहाँ स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उससे आगे पेशाच तीर्थ है, जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। वह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब नारद, मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मगिरी के पार्श्वभाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहाँ एक सुंदरी अप्सरा शाप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सभी अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुंह बानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी, जिसका नाम अद्रिका था। वह भी शाप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सभी अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान था। आद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय
केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। इसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजन पर्वत पर आए। अंजना और आद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। तब वे कहने लगी, मुनीश्वर हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्रिका के गर्भ से नैऋति के अंश से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताइए। तब भगवान वायु और नैऋति ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में स्नान कराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पिशाच और आंजनी तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजन पूर्व की ओर मार्जार तीर्थ है। मार्जार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ और वृषाकपि तीर्थ है। इसके आगे फैना संगम तीर्थ बतलाया है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बतलाया जाएगा। आने वाले कुछ अध्यायों में आप हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी तीर्थ हैं उन सभी की महिमा और महात्म्य का वर्णन जानेंगे कि कौन से तीर्थ में स्नान करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी उनके सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें जो उत्तर बताते हैं उनके आगे का वृतांत आप आने वाले अध्यायों में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर शिव महापुराण की कथाओं का रसपान भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर आपको स्क्रीन पर हमारे दूसरे चैनल का नाम और लोगो दिख रहा है। आप YouTube पर सर्च करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।